तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि कैसे हम कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी एलिमेंट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन वाइज लिख सकते हैं। कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बना सकते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक विथ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं SA(PB)DC, यानी हम जो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, उस तरीके से हम उस तरीके से लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं लाइक दिस क्लॉकवाइज। सपोज एक ब्लॉक है तो S, अगर तीन है तो P, ये है S ऑर्बिटल, ये है P ऑर्बिटल, अगर पांच है 1, 2, 3, 4, 5, लाइक, तो ये D, क्योंकि D में पांच होते हैं, राइट। सो ये दोनों फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अगर हमको ये बोला जाए और इसमें कन्वर्ट करने को बोला जाए तो भी हमको आना चाहिए, और ये ड्रॉ किया है उसके ऊपर से कौन सा एलिमेंट है तो भी आना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है कि कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं एज पर एटॉमिक नंबर, राइट, एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर के हिसाब से, यानी सबसे पहला एटॉमिक नंबर कौन सा आएगा, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो सबसे पहले वो हमको आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कौन सा है। तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले आएगा जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो है सबसे पहला हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तो आएगा हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1, यानी हम उसके लिए लिख सकते हैं 1s1, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब शेल है उसका जेनिथल ऑर्बिट s, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बिकॉज एटॉमिक नंबर 1 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो है, तो 1s1 आएगा। अगर हम उसको ब्लॉक के हिसाब से लिखे तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस, दिस इज अवर 1s, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, राइट। तो ये हो गया हमारा 1s। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड जो है दैट इज हीलियम, राइट। हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2, यानी इसमें क्या आएगा, s को फुल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1s2, 1s2, जिसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस। हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन होता है, यानी एक होता है वो राइट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट में, यानी एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एंड दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो लाइक दिस। सो नाउ इट्स डुप्लेट इज कंप्लीटेड, हीलियम की होती है डुप्लेट, जैसे बाकी सभी एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, सिर्फ हीलियम ऐसा है जिसकी डुप्लेट कंप्लीट होती है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गया। अभी ये हो गया जस्ट लाइक नोबल गैस, इनर्ट गैस, कि वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गई हीलियम की बात। अभी तीसरा जो है एटॉमिक नंबर दैट इज लिथियम, जो 3 है। अभी ये खत्म हो गया 1s। नाउ नेक्स्ट लेवल एनर्जी में ऊपर जाएगा, हमने जब एनर्जी देखी थी अकॉर्डिंग टू अफबाउ, अफबाउ प्रिंसिपल, यानी 1s2 के बाद आएगा 2s, तो नेक्स्ट लेवल पे जब जाएगा तो ये बनेगा 1s2, 2s1, 2+1, 3,
1s2, 2s1। और इसको हम लिख सकते हैं 1s के लिए ये तो कंप्लीट हो गई है, दूसरा जो बाकी है 2s यानी उसमें एक, यानी ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ठीक है, 2s1। नेक्स्ट जो आएगा फोर्थ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एंड नेक्स्ट वन दैट इज बेरिलियम, दैट इज बीई, जिसका एटॉमिक नंबर है 4। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 और इसका भी, यानी इसके भी 1s2 2s2 ये भी कंप्लीटली फुल हो गए बेरिलियम। नेक्स्ट जो आएगा फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखेंगे दैट इज बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। अभी यहां से थोड़ा ट्विस्ट स्टार्ट होता है, 1s2 हो गया 2s2 हो गया, अभी नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल है दैट इज 2p, 2p में जाएगा, सो ये बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1, राइट right? और इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 1s2, इसको हम एरो से भी दिखा सकते हैं, नेक्स्ट वन दैट इज अवर 2s2 और p में हमको मालूम है p में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स है, 2px 2py 2pz, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2px, 2py, 2pz। तो 2px, 2py, 2pz, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, सो हम एक से डिनोट करते हैं 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है, ये हो गया बोरॉन के लिए। सिक्स्थ जो आएगा ये आएगा हमारा कार्बन, यानी 6, इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। अभी ये समझना, इसको हम जब लिखते हैं तो यहां पे ये हो गया हमारा 1s2, अभी हमको आ गया है 1s, सो ये हो गया हमारा 1s, सेकेंड वन ये हो गया हमारा 2s एंड थर्ड वन जो आएगा, इसमें समझना, अभी इसमें अकॉर्डिंग टू पाउलीस रूल कि जब तक ऑर्बिट में तीनों के या पांच है डी है तो पांचों के, पांचों के ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो वापस नहीं आता, एंट्री नहीं लेता है, यानी ये हो गया हमारा 2px 2py 2pz, यानी ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दूसरा यहां पे, इसके अंदर ही अंदर नहीं, 2px में दूसरा नहीं आएगा, तीनों इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस 2px में आएगा। तो ये हो गया हमारा 6। 7 नंबर जो आएगा दैट इज नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 2p3 के लिए तो यहां पे अगर कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ करें 1s 2s एंड थर्ड वन दैट इज 1 2 एंड 3, राइट, पहले तीनों ऑर्बिट्स कंप्लीट होने चाहिए, इसलिए 1s2 2s2 2p 2p3 डन, ओके। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज नंबर 8, वो है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p4, यहां पे 2p3 तक हो गया तो अभी ऑक्सीजन के लिए गया 2p4। तो यहां पे हम
अगर अरेंजमेंट लिखे तो 1s ये हो गई हमारी 2s एंड लास्ट वन 1, 2, 3 और 4 है, यानी अभी ये आएगा यहां पे, यानी हमको वापस उसको अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये ऊपर है तो नीचे क्या बनाना है, नीचे की ओर हमको एरो से दिखाना है। तो ये हो गया हमारा 2px 2py 2pz, यानी 1s2 2s2 2p4। अब देखो एरो काउंट कर लो, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 9 जो आएगा दैट इज फ्लोरीन F, फ्लोरीन 9। सो इसके लिए बनेगा 1s2 2s2 2p5। तो उसके लिए बनेगा 1s राइट 2s2 और 2p5। नाउ यू कैन वेरी वेल गेट दिस, ये एक इलेक्ट्रॉन आप लिखो तो ऐसे ही आपकी हैबिट रखना कि तीनों इलेक्ट्रॉन पहले फुल कर लो, फिर फोर्थ वन तो यहां पे, फिफ्थ वन यहां पे, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपको कभी भी गलती नहीं होगी। एंड लास्ट हमारा जो है 10 वन राइट, सभी में हो गया। अभी हीलियम के बाद नीचे आएगा 10th वन, दैट इज अवर नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। तो उसके लिए बनेगा 1s2 2s2 2p6। हाँ, तो उसके लिए 1s सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गई हमारी 1s। उसके बाद यहां पे ड्रॉ होगा दैट इज अवर 2s एंड 2p6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 1s2 2s2 2p6, यानी इसकी क्या कंप्लीट हो गई, दैट इज नोन एज ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल यहां पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पे जो बनेगा राइट, इट इज नोन एज इनर्ट गैस, और इसको हम बोल सकते हैं नोबल गैस, ठीक है। ये आपको आ गया, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट एक या दो ले लेते हैं, यानी आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगा। ये आपको आई होप कि समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है राइट। अभी नेक्स्ट जो बात करते हैं, 11 जो आएगा, वो 11 नंबर जो है दैट इज सोडियम, 11 नंबर जो आएगा सोडियम, तो सोडियम की बात करते हैं। 11 नंबर सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 है वो एल्यूमिनियम है, बाद में सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और लास्ट में जो आएगा वो आर्गन है। सो 20 तक आपको जनरली याद रखने होते हैं। इलेवन नंबर की बात करें, 11 नंबर दैट इज सोडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 ये हो गया, और बाद में 3s है एनर्जी लेवल, तो 1 काउंट कर लो, 2 + 2 + 6 + 1, यानी हो गया हमारा 11। अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1s 2 then 2s2 2p6 and last one that is 3s1, ये हो गया हमारा 3s1। Now यहां पे already ये octet complete हो गई है इसका, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ही n ही लिख दे। एनी मीन्स क्या हुआ कि ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, यानी वो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कंप्लीट है ये,
1s2 2s2 2p6, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे सिर्फ एनी लिख के हम 3s1 लिख देते हैं, एनी लिख के 3s1 लिख देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये एनी है दैट इज नोन एज कोर, अंदर का उसको हम कोर बोलते हैं। यानी ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है 1s2 2s2 2p6, सिर्फ एनी लिख दो, यानी समझ जाते हैं कि ये ऑक्टेट कंप्लीट है, एनी के बाद का जो है एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट वन एक और कर लेते हैं, दैट इज मैग्नीशियम, तो उसके लिए 12 1s2 2s2 2p6 3s2। इसको हम अगर कोर के हिसाब से लिखें तो एनी 3s2 डायरेक्ट, एनी 3s2। अगर ब्लॉक में लिखेंगे तो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया आपका 1 2 3 2p6 एंड फाइनल वन दैट इज 3s2, राइट एंड सो ऑन। इसके हिसाब से ही हम इजीली बाकी के कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2p 1s2 2s2 2p6 3s2। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, राइट। आई होप कि आपको ये आ गया है, और आपके आज के रिवीजन में मैं थोड़े दे रहा हूं तो जस्ट सॉलिड, और ये है कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी के हिसाब से अगर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4s 3d राइट, तो आपको अगर ये आएगा तो ही आपको आगे चल के कॉन्फ़िगरेशन है वो इजी लगेगा। तो प्लीज प्लीज इसको लाइटली मत लेना, अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना, राइट। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन वेरी गुड मैसेज मी, राइट। थैंक यू।